साथियों, आज भारत नई रीति और नई नीति पर चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या सरकारें सोती रहे वो आपको मंजूर है? चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, उरी के बाद सबूत मांग रहे थे, सबूत। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके रख, पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने, यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। और मजा देखिए, हम तो ये साफ कर करके चुप थे। रात के 3:30 बज गए थे, देश को क्यों जगाना भाई। लेकिन ये ऐसी ये घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को 3:30 बजे पाकिस्तान की नींद खत्म हो गई। हम तो चुप थे, हम सोच रहे थे क्या होता है देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं। ये बालाकोट कहां है? ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए, उनके उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था। अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए। ये बालाकोट, पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया वो बोल रहा है, और यहां लोगों की नींद हराम हो गई। वो क्या कर रहे थे, सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है? ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है? ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है? ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच भी नहीं कि पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए
और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये मोदी तो वहां जाके आया, तब जाकर वे चुप हुए, वरना 4-5 घंटे तक यही चलाया कि बालाकोट यहां है कि वहां, यहां है कि वहां। अरे देश की सेना कहती है, पाकिस्तान खुद रो रहा है, तो किसी हिंदुस्तानी के मन में शक होना चाहिए क्या? जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत के तिरंगे झंडे को प्यार करता है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत मां की जय बोलता है उसको शक होना चाहिए क्या? ये शक करने वाले लोग कौन है?